हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये वाली ब्यूटीफुल से लहंगे का। ये लहंगा मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और इसका एक्चुअल प्राइस इमेज में स्क्रीन पर दे दूंगी और बाकी सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं कि लहंगा हमें कैसा रिसीव हुआ है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे तीन चीजें रिसीव हुई है, एक सेमी स्टिच लहंगा, एक अनस्टिच ब्लाउज पीस और एक दुपट्टा। सो सबसे पहले हम दुपट्टा देख लेते हैं। सो दुपट्टा हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, पूरे दुपट्टे पे कुछ इस तरह से पर्ल्स लगे हुए हैं, नेट का मटेरियल है और काफी सॉफ्ट मटेरियल है। दुपट्टा पूरा 2 मीटर हमें रिसीव हुआ है दुपट्टे के दोनों, और हमें कुछ इस तरह से रफल मिलता है। सो दुपट्टे का मटेरियल काफी अच्छा है और दुपट्टा उपयोग के है। सो नेक्स्ट हमें ब्लाउज पीस रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से 3 पार्ट में। सो ब्लाउज पीस का आगे का पार्ट कुछ इस तरह से है, यहाँ पे थ्रेड का वर्क दिया है गोल्डन कलर में और नेट का मटेरियल है, बट ब्लाउज पीस का आगे का पार्ट बस इतना सा ही है। ये स्मॉल टू मीडियम ही से स्टिच करा सकते हैं, लार्ज भी से स्टिच नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें कुछ इतना सा रिसीव हुआ है, ये प्लेन हमें नेट का फैब्रिक मिला है। सो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, स्मॉल टू मीडियम को आ जाएगा। ब्लाउज पीस के इनर के लिए हमें इतना मटेरियल रिसीव हुआ है, 0.8 सेंटीमीटर हमें रिसीव हुआ है। इमेज में हमें एकदम डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा था लहंगा, बट यहाँ पे हमें ब्राउन कलर में रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और ओके मटेरियल है, एकदम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल भी नहीं है। सो ब्लाउज पीस भी मुझे ओके लगा है। नेक्स्ट हमें लहंगा रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से, नेट का मटेरियल है गोल्डन कलर पे, यहाँ पे थ्रेड का वर्क दिया है, अंदर हमें ब्राउन कलर में इनर मिलता है। जैसा हमें इमेज में दिख रहा था कि ग्रीन कलर, एकदम डार्क ग्रीन कलर में लहंगा है और बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लहंगा हमें दिख रहा था इमेज में, बट मुझे एज इट इज़ वैसा तो रिसीव नहीं हुआ है, ब्राउन कलर में है। एज इट इज़ कॉपी में बोल सकती हूँ, बट एज इट इज़ जैसा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था वैसा रिसीव नहीं हुआ है। सो वर्क की बात करूँ तो गोल्डन कलर में थ्रेड का वर्क दिया है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट मटेरियल है, बट इमेज में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी लग रहा था वैसा मुझे नहीं रिसीव हुआ है। मैं कॉपी बोल सकती हूँ, बट कलर भी मुझे एकदम डिफरेंट ही रिसीव हुआ है। लहंगे के नीचे की ओर हमें कुछ इस तरह से रफल मिलता है, प्लेट्स मिलती है। सो अंदर की इनर की बात करूँ तो इनर का मटेरियल भी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये लहंगा स्मॉल टू लार्ज को आराम से आ जाएगा, एक्सेल डबल एक्सेल इसे वेयर नहीं कर सकते। सो गाइस, ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे ओके लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकती। डिसेंट सा मटेरियल मुझे रिसीव हुआ है, नेट का जो मटेरियल है वो एकदम सॉफ्ट और अच्छा मटेरियल है, वर्क भी काफी अच्छा है, बट एज इट इज जैसा इमेज में था मुझे वैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे ब्राउन कलर में, एकदम डार्क ब्राउन कलर में रिसीव हुआ है, इमेज में एकदम डार्क ग्रीन कलर दिख रहा था, और दुपट्टा और ब्लाउज पीस भी ओके है। सो लहंगा भी ओके है, अगर इसे रेटिंग देना हो तो मैं 3 रेटिंग दूंगी। इसे हम स्टिच करके वेयर कर सकते हैं, बट इतना भी अच्छा नहीं लगा है, हम किसी के वेडिंग फंक्शन में इसे वेयर नहीं कर सकते। चलिए हम इसे वेयर करके देख लेते हैं कि लुक में कैसा लगता है।